हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस बी पार्ट थर्ड। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन एंड मोड। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप माध्य माध्यिका एवं बहुलांक। ओके, so without wasting much time we should start this video on this topic. okay, according to Baule ने लिखा है कि सांख्यिकी माध्यिकों का विज्ञान है। सांख्यिकी क्या है? माध्यिकों का विज्ञान है। वास्तव में सांख्यिकी वह विज्ञान है जिसके द्वारा आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण और विवेचन किया जाता है। आधुनिक युग में ज्ञान की सभी शाखाओं में आंकड़ों के संग्रह और उनके विश्लेषण का विशेष महत्व है। सांख्यिकी केवल वर्तमान युग की ही विशेषता नहीं है, प्राचीन काल से व्यक्तियों के जीवन स्तर, आय व्यय, जन्म मृत्यु तथा जनसंख्या संबंधी आंकड़ों का संग्रह करने का प्रचलन रहा है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि सर्वप्रथम मिस्र के सम्राट ने लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व में पिरामिडों का निर्माण करवाने के लिए अनेक आंकड़े एकत्रित करवाए थे। भारत में भी आंकड़े एकत्रित करने की एक लंबी परंपरा रही। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना, राजस्व, भूमि के वितरण, जन्म मृत्यु तथा आय व्यय के संबंध में व्यवस्थित रूप से आंकड़ों के संग्रह का उल्लेख मिलता है। इसके बाद भी जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने के लिए 17वीं शताब्दी से सांख्यिकी को एक व्यवस्थित रूप दिया जाने लगा। सन 1749 में एक जर्मन विद्वान गॉटफ्रिड एकेनवेल ने सबसे पहले सांख्यिकी तथा स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग किया तथा इसके लिए अनेक नियम भी प्रतिपादित किए। इसी कारण एकेनवेल को सांख्यिकी का जनक माना जाता है। हु इज द फादर ऑफ द स्टैटिक्स? सांख्यिकी के जनक कौन है? एकेनवेल। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। ओके, शाब्दिक रूप से सांख्यिकी अथवा अंग्रेजी के शब्द स्टैटिक्स, लैटिन भाषा के शब्द स्टैटस तथा जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिक से बना है जिसका अर्थ राज्य, स्टेट है। इसका अर्थ है प्राचीन काल में सांख्यिकी को अध्ययन की एक ऐसी विधि के रूप में देखा जाता था जिसकी सहायता से राज्य के कार्यों का समुचित रूप से संचालन किया जा सके। 17वीं शताब्दी में जब व्यापक आधार पर जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने का प्रयत्न बढ़ने लगा तो आंकड़ों के व्यवस्थित विश्लेषण के लिए नए नए नियम भी विकसित होने लगे। इस आधार पर सांख्यिकी का प्रयोग दो विभिन्न अर्थों में किया जाने लगा। सांख्यिकी का एक अर्थ सांख्यिकीय विज्ञान में है जिसके अंतर्गत कुछ विशेष विधियों के द्वारा आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और विवेचन पर बल दिया गया। दूसरे अर्थ के अनुसार सांख्यिकी का अर्थ आंकड़ों या समांकों से होता है जो जनसंख्यात्मक विशेषताओं, अपराध की दर, राष्ट्रीय आय अथवा इसी तरह के दूसरे विषयों से संबंधित होते हैं।
विभिन्न विद्वानों ने इसी आधार पर सांख्यिकी के अर्थ को विभिन्न परिभाषाओं के रूप में स्पष्ट भी किया है। ओके, ए एल पाउले के शब्दों में सांख्यिकी का तात्पर्य है अनुसंधान के किसी पक्ष से संबंधित तथ्यों के ऐसे संख्यात्मक विवरण से हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंध में संयोजित किया जाता है। ओके, स्टैटिक्स आर नंबरिकल स्टेटमेंट ऑफ डेटा इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ओके, इस कथन के द्वारा बाउले ने स्पष्ट किया है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भी प्राप्त तथ्य होते हैं, प्राप्त तथ्यों के द्वारा किसी विषय की औसत प्रवृत्ति को समझना होता है। इस दृष्टिकोण से एक और सांख्यिकी माध्यम का विज्ञान साइंस ऑफ द एवरेजेस, तो दूसरी ओर सांख्यिकी को गणना का विज्ञान साइंस ऑफ काउंटिंग भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हॉरेस सेक्विस्ट की। सांख्यिकी का अभिप्राय तथ्यों के उस समूह से है जो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जाता है, जिनकी गणना और विश्वसनीयता को एक समुचित स्तर में आंका जाता है, जिन्हें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के लिए किसी सुव्यवस्थित पद्धति से एकत्रित किया जाता है तथा उन्हें इस तरह प्रस्तुत किया जाता है जिससे उनकी तुलनात्मक प्रकृति को समझा जा सके। ओके, स्टैटिक्स आर न्यूमेरिकल description of the quantitative aspect of thing and they take the form counts or measurement by Willis and Roberts और Willis के शब्दों में सांख्यिकी तथ्यों के परिमाणात्मक पक्षों के संख्यात्मक विवरण है जो गणना या माप के रूप में व्यक्त होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है सेलिगमैन के अनुसार। सेलिगमैन के अनुसार स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग क्लासिफाइंग प्रेजेंटिंग कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड टू थ्रो सम लाइट्स ऑन एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी बाय सेलिगमैन। ओके, स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग क्लासिफाइंग प्रेजेंटिंग कंपेयरिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा कलेक्शंस टू थ्रो सम लाइट्स टू एनी स्फीयर ऑफ इंक्वायरी। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो अनुसंधान के किसी क्षेत्र पर प्रकाश डालने वाले आंकड़ों के संकलन वर्गीकरण प्रस्तुतिकरण तुलना तथा विवेचन की रीतियों से संबंधित होते हैं। इस कथन के द्वारा सेलिगमैन ने सांख्यिकी के विभिन्न कार्यों को अधिक महत्व दिया है। अकॉर्डिंग टू लेस्टर वॉडिंगटन के अनुसार स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टीमेट एंड प्रोबेबिलिटीज।
सांख्यिकी की बहुत संक्षिप्त परिभाषा देते हुए लिखा है लेस्टर वॉरिंगटन ने कि सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। नेक्स्ट डेफिनेशन है कैंडल के अनुसार। कैंडल के अनुसार स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंटिफिक मेथड्स विच डील्स विद द डेटा ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग और मेजरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉपुलेशन और नेचुरल फेनोमेना। सांख्यिकी वैज्ञानिक पद्धति की वह शाखा है जो जनसंख्या संबंधी विशेषताओं अथवा कुछ प्राकृतिक घटनाओं की गणना करने अथवा उनका माप करने वाले आंकड़ों से संबंधित होती है। नेक्स्ट है ई एफ क्रॉक्सटन के अनुसार। क्रॉक्सटन और कोलिन ने लिखा है कि स्टैटिक्स मे बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन प्रेजेंटेशन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। सांख्यिकी जो संख्यात्मक तथ्यों के संकलन प्रस्तुतिकरण विश्लेषण तथा विवेचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ओके, सांख्यिकी की विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। नंबर वन है स्टैटिक्स इज ए ग्रुप ऑफ डेटा। सांख्यिकी तथ्यों का समूह है। ओके, तथ्यों का समूह है सांख्यिकी। सेकंड है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तथ्यों का संख्या में प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इनटू फिगर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब है पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं सांख्यिकी विशेषताओं में। सांख्यिकी की जो विशेषताएं हैं उसमें पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं। ओके, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड है बेसिक ऑफ कंपैरिजन, तुलना का आधार। ओके, नेक्स्ट है एग्जैक्टनेस ऑफ डेटा, आंकड़ों की शुद्धता। नेक्स्ट पॉइंट स्टडी ऑफ जनरल टेंडेंसीज। स्टडी ऑफ जनरल टेंडेंसीज, टेंडेंसी सामान्य प्रवृत्तियों का अध्ययन। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न दशाओं से प्रभावित, इन्फ्लुएंस बाय मल्टीपल फैक्टर्स। एंड नेक्स्ट आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सांख्यिकी की उपयोगिता अथवा